वो कहते हैं ना, कहीं का किया कहीं ना कहीं ज़रूर मिलता है, बिलीव इन इक्वेशन ऑफ अ कर्म, है ना। कितने लोग इस चीज़ से रिलेट करते हैं प्लीज़ नीचे कमेंट डाउन करना। और आज मैं निकल चुकी हूँ, कोई नई सफ़र पे नहीं, एज़ यूजल अपने मायके ही जा रही हूँ। और मैं कहाँ जाती हूँ, लास्ट वृंदावन गई थी बस, उसके बाद से कहीं नहीं गई, उसके बाद से सिर्फ मम्मी के घर से अपने घर, दैट्स इट। और क्या है आज, आज इंडिपेंडेंस डे है, आज मेरी मम्मी का बर्थडे है, और आज मेरे भाई भाभी और मेरे चाचा चाची के यहाँ रुद्राभिषेक का भी प्लान था, सॉरी था, आयोजन था। तो उसी के इन सब चीज़ों, मतलब ये सब चीज़ें एक साथ थी सेम डे पे, और स्कूल की दो दिन की छुट्टी भी थी राघव की, तो इसलिए सोचा चले जाते हैं, थोड़ा सा मूड भी फ्रेश हो जाएगा। और मम्मी के बर्थडे, मतलब आपको बताऊँ, शादी के पहले कभी मम्मी का बर्थडे मैंने सेलिब्रेट नहीं किया, मतलब इतनी इंपॉर्टेंस में नहीं देती थी अपनी फैमिली को, ऑनेस्टली बता रही हूँ। लेकिन अब मुझे अपनी फैमिली की इंपॉर्टेंस पता चल रही है, एंड नाउ आई एम लाइक कि आई डोंट वॉन्ट टू मिस एनी थिंग अबाउट देम, वेदर इट्स देयर एनिवर्सरी, देयर बर्थडे और एंड गाइज, मैंने आप लोगों का वेलकम ही नहीं किया, वेलकम टू माई न्यू व्लॉग। कैसे हैं आप लोग, आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एंड आप लोगों को बताऊँ, इवन आई हैव नो आइडिया कि मैं इतनी स्पिरिचुअल इंसान कैसे बन गई। मैं तो मतलब नहीं, बचपन से मंदिर जाती थी, मैं नास्तिक कभी भी नहीं थी, मैं ऐसा नहीं कहूँगी, बहुत ज़्यादा बिलीव भगवान में करती थी, बट मुझे अपने इस साइड के बारे में नहीं पता था। ये साइड मैंने डिस्कवर किया आफ्टर माई प्रेगनेंसी, अपनी प्रेगनेंसी के दौरान मैंने भागवत रामायण सुनना ज़्यादा शुरू कर दिया था, एंड और मुझे अब भजन करना वगैरह करना ये सब बहुत अच्छा लगता है, इसमें पार्टिसिपेट करना बहुत अच्छा लगता है, तो इसीलिए मैं ढोल की थोड़ी प्रैक्टिस कर रही थी। और यहाँ पे हम लोग मम्मी का बर्थडे मना रहे हैं, पूजा वगैरह हो चुकी है, मतलब पूजा यानी रुद्राभिषेक और ये सब, सत्यनारायण की कथा भी हुई थी, कथा हवन सब कुछ हो गया, तो उसके बाद इवनिंग में थोड़ा सा चिल करने के बाद हम लोग मम्मी का यहाँ पे बर्थडे सेलिब्रेट करें। और मम्मी ना राघव के साथ केक कट करना बहुत पसंद करती है, इससे पहले भी एक दो बर्थडे पे मम्मी के मैं आई हूँ, तो राघव भी है, मतलब छोटे से ही राघव नानी के साथ बर्थडे मनाता है, एंड ही वॉज़ वेरी एक्साइटेड फॉर नानी इज़ बर्थडे, ही वॉज़ लाइक कि मैं नानी के बर्थडे पर जाऊँगा। और ये है हमारी नई नई बहुरानी, मेरी भाभी प्रीति, जिससे आप मिल चुके हैं, ब्लॉग्स में देख चुके हैं, बहुत ही प्यारी है ये, बहुत प्यारी है, और हमारे घर की बड़ी बहू भी है। और ये हूँ मैं अपनी मम्मी को केक खिलाते हुए। यहाँ पे मैंने अपनी साड़ी चेंज कर दी थी, बाय द वे मेरी साड़ी कैसे लग रही थी ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पे मैं अपने घर पे वापस लौट के आ गई हूँ, दैट वॉज द क्लिप्स आई हैड, तो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। और यहाँ पे आज मैं आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छी रेस्टोरेंट स्टाइल मटर पनीर की सब्जी की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ, और बिलीव मी गाइस, आप लोग ज़रूर एक ट्राई दीजिए, बहुत सिंपल है, घर के इंग्रेडिएंट्स से बन जाती है, आपको कुछ भी खर्चा करके बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं है, और बहुत सुपर टेस्टी बनती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, मटर और पनीर तो लेना ही है, ऑब्वियस है, लेकिन यहाँ पे हम लोग ने ना थोड़ा सा अनियन, गार्लिक और ग्रीन चिली, टमाटो और काजू को अच्छे से, मतलब थोड़ा, मतलब यू नो सॉटे करना है, हल्का सा तेल डाल के, आप चाहे तो इसमें मसाला और नमक भी ऐड कर सकते हैं, अप टू यू, बट मैंने कुछ ऐड नहीं किया था, हल्का सा नमक डाला था कि वो जल्दी पक जाए। और उसके बाद ये देखिए, आपने लाडो की थोड़ी मस्ती आप लोगों के साथ दिखाई, और ये देखिए इसको थोड़ा ना अच्छा हाफ कुक करना है, मतलब ये वैसे तो हम लोग सौते करके बहुत बार बनाते हैं, बट इसको हाफ कुक करना था, और वो अच्छे से यू नो सॉफ्ट हो गए, तो उसको मैंने निकाल के ठंडा होने के लिए रख दिया, और उसी कढ़ाई में हल्का सा ऑयल डाल के मटर को थोड़ा सा ये कर दिया था, तल लिया था, यानी मतलब क्या बोलते हैं उसको, फ्राई कर लिया था, और उसके बाद उसी में पनीर को फ्राई कर लिया उसी कढ़ाई में, और ये सब फ्राई करके निकाल लिया। और उसके बाद अपना मसाला जो था उसको मैंने पीस के रेडी कर लिया है, देख रहे हैं उसको खूब महीन सा पीसेगा, महीन यानी खूब बारीक कीजिएगा, खूब अच्छे से पीसने के बाद फिर यहाँ पे ये सब सब्जियाँ भी, देखा आप लोगों ने पनीर और मटर को भी अच्छे से फ्राई कर लिया। और अब यहाँ पे कढ़ाई में थोड़ा सा तेल मैंने बहुत कम रखा, बिकॉज ऑलरेडी इतने फ्राइड है चीज़ें हैं, तो ऑयल कम ही रखिएगा। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं अनियन ऐड कर रही हूँ, चॉप्ड अनियन है, एक ही अनियन लिया है, बिकॉज एक ऑनियन ऑलरेडी उसमें पेस्ट में गया है, तो इसीलिए यहाँ पे एक ही अनियन का यूज़ कर रही हूँ मैं, और इसको अच्छे से सौते कर लेंगे। और हाँ, जीरा डालना मैं भूल गई थी, आप लोग ज़रूर डालिएगा, बट बिना जीरे की भी बहुत अच्छी भाजी बनी थी, बट तेल जब गर्म हो तो उसमें जीरा ज़रूर ऐड कीजिएगा, उससे बहुत अच्छा टेस्ट इन्हांस होता है, नो डाउट। तो जीरा मैं भूल गई थी,
और जीरा के बाद वो अनियन डाला, अनियन को अच्छे से भून लिया। भूनने के बाद अपना जो पेस्ट हमने रेडी किया है वो यहाँ पर डाल देंगे। और मैं आपको बताऊँ, मेरे घर में तो पनीर मसाला भी नहीं था इवन, तो जो रेगुलर राजेश मसाला हम लोग खाने के लिए यूज़ करते हैं ना, मैंने वही वहाँ पे हाफ़ पैकेट पड़ा था तो उसको डाल दिया। ये बड़ा पैकेट है, ये मतलब 1 या 2 रुपीज़ वाला नहीं है, ये 5 रुपीज़ वाला है। तो इसको मैं एक बार में नहीं यूज़ करती, मैं इसको हाफ हाफ करके 2 बार में यूज़ करती हूँ। तो हाफ मैंने यहाँ पर यूज़ किया और वही मसाला यहाँ पर मैंने ऐड किया है। और थोड़ा सा ना धनिया पाउडर था घर में, मैंने बना के रखा है घर में धनिया, और ये मैंने गरम मसाला भी घर पे बनाया है। तो वही धनिया पाउडर और जो घर में बनाया हुआ गरम मसाला है, दोनों मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ, बिकॉज बिना गरम मसाले के तो पनीर में कुछ टेस्ट ही नहीं आता यार, सीरियसली। तो अच्छे से खूब इसको भूनेंगे, इस मसाला हमारा जितना अच्छा भुना जाएगा ना उतना ही अच्छी हमारी सब्ज़ी बनेगी, ट्रस्ट मी। बिकॉज ये मुझे सीखते सीखते ये चीज़ मैंने सीखी, पहले मैं मसाले को इतना इंपॉर्टेंस नहीं देती थी, मतलब भूनने को मसाले को देती थी बट इतना भूनती नहीं थी, सच बताओ तो बहुत मतलब यू नो जल्दबाजी करती थी मसाला भूनने में। लेकिन अब मैं अच्छे से टाइम लेके मसाला भूनती हूँ, बिकॉज अब मुझे धीरे धीरे पता चला है कि उससे टेस्ट कितना एनहांस होता है और कितना रिच लुक आता है ग्रेवी का, ये मुझे अब जाके पता चला है। तो ऐसे धीरे धीरे बोलते ना, कुकिंग करते करते मैं भी सीख रही हूँ। और यहाँ पे मैंने अपना मटर और पनीर एक साथ ऐड कर दिया, लेकिन ये गलती आप मत करिएगा, अगर सॉफ्ट पनीर होंगे ना तो वो कट जाते हैं, मतलब हम लोग जो चलाते हैं उसके टाइम, तो इसके लिए। बट मैंने ना ध्यान नहीं दिया, मैंने मतलब जल्दबाजी दिखाई और मैंने ऐसे मटर पनीर साथ में डाल दिया, बट कटी नहीं, बिकॉज थोड़े फ्राई थे तो कड़क हो गए थे, वैसे थे सॉफ्ट पनीर ही। बट आप लोग इस बात का ध्यान रखिएगा, और अगर आप लोग अमूल पनीर यूज़ करेंगे तो वो ऑलरेडी हार्ड होता है, तो उसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी। और फिर जितना आपको रिक्वायर्ड है आप उसमें वाटर ऐड कर लीजिए और उसको एक बॉयल आने के लिए रख दीजिए। तो यहाँ तक की प्रक्रिया समाप्त होने के बाद फिर आटा लगा लिया मैंने, और राघव को पूड़ी की डिमांड थी, ही वॉज़ लाइक मम्मा पूड़ी बनाओ पूड़ी बनाओ, आई वॉन्ट टू ईट पूड़ी। तो मैंने बोला चलो आज जब पनीर बनी रहा है तो पूड़ी बना देती हूँ। मेरे घर पर वैसे मेरे हस्बैंड और पापा को इतना पूड़ियाँ नहीं पसंद है, और मुझे पूड़ी कब पसंद है आपको सच बताऊँ, मुझे ना चाय के साथ गरम गरम पूड़ियाँ नमक डाली हुई बहुत अच्छी लगती है, नमक और अजवाइन स्पेशली। अजवाइन घर में नहीं था तो इसलिए मैंने सिर्फ मतलब ऑयल एंड नमक डाल के आटा लगाया है। और यहाँ पे मैं जो है छोटी छोटी सी लोई तैयार कर ले रही हूँ, बिकॉज जब आप अकेले पूड़ी बनाते हैं ना तो थोड़ी सी बेल के रखी हो ना तो ईजी रहता है। और यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि खूब ढेर सारा मैंने हरा धनिया काट के रख लिया है जो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ। भाजी ऑलमोस्ट रेडी थी और कसूरी मेथी, हाँ कसूरी मेथी भी बहुत जान डाल देती है यार भाजी में, मतलब उसकी इंपॉर्टेंस भी अब मुझे धीरे धीरे पता चल रही है कसूरी मेथी और धनिया की। मैं इनको भी बहुत कम इस्तेमाल करती थी सच बताऊँ तो, लेकिन अब धीरे धीरे जैसे जैसे मैं मेरी कुकिंग एडवांस हो रही है वैसे वैसे मैं धीरे धीरे चीज़ें सीख रही हूँ और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने अपनी भाजी को लास्ट 2 मिनट के लिए गैस पे छोड़ दिया पकने के लिए, लास्ट के 2 मिनट्स थे फॉर सेटिस्फैक्शन। एंड यहाँ पे मैं पूड़ियाँ तलना स्टार्ट कर रही हूँ और धीरे धीरे करके पूड़ी तलूँगी, बिकॉज आज खाना खाने में भी हम लोगों को लेट हो गया था। ये तामझाम वाली भाजी बनाने में तो लेट हो ही जाता है, और जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं ना तो थोड़ा काम स्लो हो जाता है, ये मैंने नोटिस किया है। तो इसके लिए ना कई बार मैं बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ बट रिकॉर्ड नहीं करती, बिकॉज उसमें बहुत लेट हो जाता है, ये बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। और आप लोग आते हैं वीडियो देखते, लाइक नहीं करते, देखते हाँ देख के चले जाते हैं, ना कुछ कॉमेंट करते हैं। तो फिर इसीलिए बोलती हूँ प्लीज़ लाइक कीजिए कॉमेंट कीजिए, बिकॉज चाहे वीडियो को कम व्यूज़ आए या ज़्यादा व्यूज़ आए, चैनल बड़ा हो या छोटा हो, मेहनत उतनी ही लगती है एक वीडियो तैयार करने में। तो इसीलिए प्लीज़ अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, आपको ऐसा कंटेंट देखना पसंद है होम रिलेटेड, पेरेंटिंग रिलेटेड, कुकिंग रिलेटेड, तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, बिकॉज आपको मेरे चैनल पे ऐसे ही वीडियोस देखने को मिलेंगे। और वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिए। यहाँ पे मैं बर्तन धो रही हूँ और प्लेटफॉर्म क्लीन कर रही हूँ बर्तन धो के रखने के लिए। और आपको पता है मेरा वाइपर ले लेके ना हमेशा मेरे बच्चे भाग जाते हैं, पता नहीं क्या उनको खिलौने छोड़ के यार बच्चों को क्यों घर के बर्तनों से खेलने में इतना इंटरेस्ट होता है। मतलब एक के नहीं, मैं अपने दोनों बच्चों की बात कर रही हूँ, क्या आप लोग भी ये चीज़ फेस करते हैं? अगर कहते हो तो प्लीज़ नीचे कॉमेंट्स करके मुझे बताइएगा, बिकॉज मेरे बच्चे तो ऐसे ही करते हैं। और ये देखिए हमारी भाजी का फाइनल लुक बहुत अच्छी बनी थी गाइस, प्लीज़ आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। देखिए यहाँ पर कोई फ्रेश क्रीम मलाई वलाई मैंने कुछ भी यूज़ नहीं किया है, और काजू भी बहुत 20 काजू नहीं डाल दिए मैंने, हार्डली 8 से 10 काजू डाले थे। ले गाइस मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन डू लाइक शेयर एंड कमेंट, बाय।